बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने OSI मॉडल के टॉपिक को कवर कर लिया था। आज के लेक्चर में हम दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेंशन में से एक इन्वेंशन इंटरनेट के बारे में जानेंगे। दोस्तों, यकीनन मेरी तरह आप लोगों के जहनों में भी ये सवाल आता होगा कि क्या शुरू से ही लोग इस तरह घर बैठे एक दूसरे से कनेक्ट थे? एक मुल्क में बैठा हुआ इंसान पूरी दुनिया में क्या हो रहा है इससे बाखबर था। दूसरे मुल्कों में रहने वाले अपने अजीजों अकारिब से इसी तरह वीडियो कॉल्स के जरिए घंटों का फासला मिनटों में खत्म कर देता था। जिन बुक्स को आपको लाइब्रेरीज में ढूंढने में घंटों लग जाते थे, वो मालूमात आप गूगल पर सेकंड्स में ढूंढ सकते थे। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि इन तमाम चीजों की शुरुआत कैसे हुई, वर्ल्ड का सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था, उसे किसने बनाया था और किस मकसद के लिए बनाया गया था, और फिर उस एक नेटवर्क से किस तरीके से इंटरनेट वजूद में आया। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बहुत सी नई मालूमात को जानते हुए आपके सिलेबस में मौजूद टॉपिक इंटरनेट और बर्थ ऑफ इंटरनेट के टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। दोस्तों, 1960s से पहले के जो कंप्यूटर्स थे, उनमें इंटरनेट फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए फ्लॉपी डिस्क वगैरह इस्तेमाल की जाती थी। एक मुल्क में बैठा हुआ इंसान, हत्ता के एक सिटी में बैठा हुआ इंसान दूसरे सिटी में मौजूद अपने अजीजों अकारिब से खतों के जरिए बात करता था। फिर 1969 में इंटरनेट की शुरुआत हुई, जब US के डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक छोटा सा नेटवर्क बनाया जिसका मकसद था बिना फ्लॉपी डिस्क के डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके। क्योंकि आमतौर पर मिलिट्री के डेटा के लिए बहुत सिक्योरिटी की जरूरत होती है, और फ्लॉपी डिस्क के चोरी हो जाने या खराब हो जाने की सूरत में बहुत बड़ा नुकसान हो जाने का खतरा था। तो इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी डार्पा ने स्पॉन्सर किया एक प्रोजेक्ट जिसका नाम रखा गया आर्पानेट। तो दोस्तों, ये था वर्ल्ड का सबसे पहला नेटवर्क जिसका मेन मकसद था US के मिलिट्री ऑफिसेस में जितने कंप्यूटर्स थे और US की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, स्टैनफोर्ड, उसके साइंटिस्ट और स्टूडेंट्स ये सब आपस में कम्युनिकेट कर सके, इंटरलिंक हो सके। फिर 1971 में आर्पानेट ने मजीद इस नेटवर्क को बढ़ाया और अब 20 साइट्स यानी 20 यूनिवर्सिटीज और ऑफिसेस आपस में कनेक्ट हो गए थे। और फिर इस नेटवर्क को यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स और इंजीनियर्स ने इतना यूज किया कि 1981 में 200 साइट्स इस नेटवर्क से कनेक्ट हो गई थी और ये तेजी से ग्रो करने लग गया था, जैसे कि आप इस तस्वीर के अंदर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, फिर 1980s के मिड में NFS नेशनल साइंस फाउंडेशन ने अपना एक हाई कैपेसिटी का नेटवर्क बनाया जो कि एकेडमिक रिसर्चर्स के लिए बिल्ड किया गया था। ये था टर्निंग पॉइंट जब मिलिट्री के लोगों के अलावा आम कंट्री के लोग भी आपस में कम्युनिकेट कर सकते थे। तो दोस्तों, यानी अब आर्पानेट को देखकर कई कंपनीज ने अपने छोटे छोटे नेटवर्क्स अपनी अपनी कंपनीज के लिए बनाना शुरू कर दिए थे, और फिर जरूरत पड़ी इन तमाम अलग अलग नेटवर्क्स को जोड़ने की, क्योंकि तमाम नेटवर्क्स तमाम कंपनीज के अलग अलग अपने अपने नेटवर्क्स थे। तो जरूरत पड़ी इन तमाम नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए प्रोटोकॉल्स की, ताकि तमाम कंप्यूटर्स आपस में एक ही लैंग्वेज में कम्युनिकेशन कर सके। और फिर 1983 में बनाया गया TCP/IP प्रोटोकॉल, जिसके जरिए अब अलग अलग नेटवर्क और अलग अलग कंट्रीज में मौजूद कंप्यूटर्स एक ही स्टैंडर्ड के जरिए आपस में कम्युनिकेट कर सकते थे, आपस में डाटा को सेंड और रिसीव कर सकते थे। इससे हुआ क्या, बहुत सारे लोग तेजी के साथ एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो गए। एक नेटवर्क का बंदा दूसरे नेटवर्क के बंदे से बात कर सकता था, और इसी बंच ऑफ नेटवर्क को यानी नेटवर्क के गुच्छे को आपस में जोड़ने को नाम दिया गया इंटरनेट का। और दोस्तों, फिर 1990s के बाद से ये इंटरनेट का वर्ड इतना पॉपुलर हो गया कि अब अकॉर्डिंग टू द इंटरनेट मॉनिटरिंग सोसाइटी मोर देन 100 मिलियंस कंप्यूटर इसके जरिए आपस में कनेक्ट हो गए हैं। तो दोस्तों,
ये था इंटरनेट और हम देख सकते हैं कि इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों इसीलिए इंटरनेट को 1990s की सबसे बड़ी इन्वेंशन कहा जाता है क्योंकि इसके जरिए दुनिया सिमट सी गई है, एक ग्लोबल विलेज की मानंद हो गई है। इस तरह गांव देहातों में लोग एक दूसरे की जिंदगी से बाखबर रहते हैं। इंटरनेट के जरिए भी लोग इसी तरह एक मुल्क में बैठकर तमाम दुनिया के हालात और वाकयात की खबर रख सकते हैं, बल्कि अब तो लोग मॉर्निंग न्यूज़पेपर भी इंटरनेट के जरिए ही पढ़ते हैं। इसके जरिए अलग अलग कंपनीज के लोग इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग्स के जरिए बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं। आप घर बैठे ना सिर्फ अपनी मालूमात में इजाफा कर सकते हैं, बल्कि घर बैठे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं, घर बैठे क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और हत्ता के डिग्रीज भी हासिल कर सकते हैं। घर बैठे अलग अलग लोग अलग अलग मुल्कों से खरीदो फरोख कर सकते हैं। लोग अलग अलग मुल्कों से पार्टनर्स बना सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को सारी दुनिया में सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन एयरलाइन टिकट्स बुक करवा सकते हैं। अगर आपको कोई मसला लाहक है, चाहे वो एजुकेशनल पॉइंट से हो, सर्च से हो, घरेलू हो, मुआशी हो, बल्कि दुनिया के हर शोबे से मुतालिक इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। तो दोस्तों ये तंत्र कंप्यूटर से मिलकर बनने वाला नेटवर्क इतना ग्रो हो गया कि अब इंटरनेट के बगैर हमारा दिन काटना मुश्किल हो जाता है। इन शॉर्ट, इंटरनेट के बगैर कोई शोबा तरक्की के मराहिल तय नहीं कर सकता, इसीलिए इसको ग्लोबल एरिया विलेज भी कहा जाता है। सॉरी, इसको ग्लोबल एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है क्योंकि पूरी दुनिया के लोग इसकी वजह से आपस में कनेक्ट हो गए हैं, आपस में जुड़ गए हैं। तो दोस्तों ये था इंटरनेट और इंटरनेट की हिस्ट्री। अगले लेक्चर में हम इंटरनेट के फीचर्स को डिटेल में पढ़ेंगे।